state which value of control variable X are printed by each of the following four statements. नीचे कुछ फोर स्टेटमेंट बताए दिखाए दे रहे हैं और उनमें बताना है कि उनका आउटपुट क्या होगा, क्या प्रिंट करेंगे. तो पहला स्टेटमेंट है फोर एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स लेस देन इक्वल टू 13, एक्स प्लस इक्वल टू टू, प्रिंट एक्स. तो यहाँ पर एक्स है उसको दो से इनिशियलाइज किया है, एक्स की मिनिमम वैल्यू हमने 13 कर दी है, मतलब कंडीशन में एक्स 13 तक जाए और एक्स प्लस इक्वल टू टू हो, तो इसका आउटपुट क्या होगा. तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 2 है वो प्रिंट होगी क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट एक ही जगह है. बाद में एक्स की वैल्यू 2 से इंक्रीज होकर 4 हो जाएगी तो 4 प्रिंट होगा. उसके बाद में एक्स की वैल्यू 6 तो 2 न्यू लाइन में 4, न्यू लाइन में 6, न्यू लाइन में 8, न्यू लाइन में 10, न्यू लाइन में 12 है. एंड देन एक्स की वैल्यू जब 14 होगी तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी इसलिए 12 तक प्रिंट हो जाएंगे. इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 सारे न्यू लाइन में मिलेंगे. ये नया स्टेटमेंट है जिसमें एक्स की इनिशियल वैल्यू 5 लिया है, कंडीशन एक्स लेस देन इक्वल टू 22 लिया है और एक्स में 7 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा. तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 5 है इसलिए 5 सबसे पहले प्रिंट होगा, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है. उसके बाद में एक्स में 7 का इंक्रीमेंट होगा, मतलब 5 के बाद में 12 है और 12 के बाद में 19 और उसके बाद में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो 5, 12 एंड 19 प्रिंट होगा. नेक्स्ट एक्स को 3 से इनिशियलाइज किया, कंडीशन में एक्स लेस देन इक्वल टू 15 लिखा और एक्स में 3 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं. तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 3 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 3 प्रिंट होगा. बाद में एक्स की वैल्यू में 3 का इंक्रीमेंट होगा तो 6 हो जाएगा, प्रिंट होगा. 9 प्रिंट होगा, 12 प्रिंट होगा, 15 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू है तो 15 भी प्रिंट होगा. 3, 6, 9, 12 एंड 15 प्रिंट होगा. नेक्स्ट एक्स को 1 से इनिशियलाइज किया है, कंडीशन लेस देन इक्वल टू 5 है और 7 का इंक्रीमेंट है. यहाँ पर एक्स की फर्स्ट वैल्यू 1 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए वो वैल्यू प्रिंट होगी. बाद में एक्स की वैल्यू में 7 का इंक्रीमेंट है, मतलब एक्स की वैल्यू 8 हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी इसलिए वो कुछ भी आगे प्रिंट नहीं होगा और हमें आउटपुट में ओनली 1 मिलेगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट एक्स इक्वल टू 12 से इनिशियलाइज किया है, कंडीशन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखा है और एक्स में 3 का डिक्रीमेंट किया है, 3 हर बार एक्स की वैल्यू 3 से कम हो जाए. सबसे पहले एक्स इक्वल टू 12 है जो 2 से बड़ा है, ट्रू है, 12 प्रिंट होगा. उसके बाद में 3 कम होगा, मतलब 12 की जगह एक्स की वैल्यू 9 हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, प्रिंट होगा. देन एक्स की वैल्यू और 3 कम होगी, 6 होगी, प्रिंट हो जाएगा. एक्स की वैल्यू 3 होगी, प्रिंट हो जाएगा. देन एक्स की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और वो प्रिंट नहीं होगा. 12 एंड 9, 6 एंड 3 प्रिंट होगा. एक फोर स्टेटमेंट लिखना है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रिंट कर दे. तो हमें एक लूप लगाना है जो 1 से स्टार्ट हो और 7 तक चले और एक एक का इंक्रीमेंट हो वेरिएबल में. तो फोर स्टेटमेंट होगा जिसमें एक्स को 1 से इनिशियलाइज किया, कंडीशन लेस देन इक्वल टू 7 लगा दी और एक एक का इंक्रीमेंट कर दिया, एक्स को प्रिंट कर दिया. एक नया स्टेटमेंट लिखना है जो 3, 8, 13, 18 और 23 प्रिंट कर दे. हम इनका डिफरेंस देखिए तो 3, 8, 8, 13, 13, 18, 18, 23 में 5 का डिफरेंस आ रहा है. लाइक फोर स्टेटमेंट लिखना है जो इनिशियलाइज 3 से हो और इंक्रीमेंट उसमें 5 का हो, कंडीशन लेस देन और इक्वल टू 23 लगे. तो ये फोर स्टेटमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट है 20, 14, 8, 2, -4, -10 प्रिंट हो.
तो इसमें भी हम x की इनिशियल वैल्यू 20 ले लें, यहाँ डिफरेंस 6 का आ रहा है और 6 का डिक्रीमेंट है, मतलब कंडीशन लगा दें कि x की वैल्यू 10 माइनस 10 के इक्वल या उससे बड़ी हो और डिक्रीमेंट 6 का हो रहा हो, तो ये फॉर स्टेटमेंट हो जाएगा जिसमें x को इनिशियलाइज 20 से किया है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10 किया है और x में डिक्रीमेंट 6 का किया है। नेक्स्ट है 19, 27, 35, 43 एंड 51 प्रिंट हो, तो यहाँ पर डिफरेंस देखा जाए तो 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 19 प्लस 8 27 होता है, 27 प्लस 8 35, 35 प्लस 8 43, 43 प्लस 8 51, इनिशियलाइज 19 से करें एंड 51 पर हो, मतलब कंडीशन 51 की लगाएं और इंक्रीमेंट 8 का करें, तो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉर x इज इक्वल्स टू 19, x लेस देन इक्वल टू 51, x प्लस इक्वल टू 8 और x को प्रिंट कर दिया। ये नीचे जो प्रोग्राम लिखा है ये क्या करेगा, एक प्रोग्राम लिखा है जो क्या करेगा हमें समझना है, तो इसमें हम पहले वो स्टेटमेंट देखते हैं जो प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ दो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट है प्रिंट है जिसमें एक स्ट्रिंग प्रिंट होनी है, स्ट्रिंग की जगह एक 8 का साइन प्रिंट होना है, और दूसरा स्टेटमेंट है जो जिसमें पुट्स लिखा है, मतलब वो सिर्फ न्यू लाइन प्रिंट करेगा। जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है जो 8 को प्रिंट करेगा वो एक फॉर स्टेटमेंट में है जो जे पर रन हो रहा है, जिसका काउंटर वेरिएबल जे है और वो जे इक्वल टू 1 टू एक्स के लिए चलेगा, मतलब एक्स की जो इनपुट वैल्यू होगी उतनी बार 8 का साइन प्रिंट होगा, और ये स्टेटमेंट इंक्लूडिंग जो पुट्स स्टेटमेंट है वो एक दूसरे लूप में है जो i नाम के काउंटर वेरिएबल पर रन हो रहा है और 1 टू y प्रिंट चल रहा है, मतलब सबसे पहले x की जो वैल्यू है उतनी बार a एट साइन प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन में जाएगा, फिर x की जो उतने ही a बार a प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन में जाएगा, फिर उतनी बार a प्रिंट होगा, और इस तरह से कितनी बार न्यू लाइन में जाएगा जो y की वैल्यू है, मतलब y नंबर ऑफ रोज है और हर रो में x की जो वैल्यू है उतने एट प्रिंट होंगे। जैसे हमने इसको रन करके देखा, इनपुट में हमने 4 एंड 5 दिया तो हर रो में 4 एट के साइन और ऐसी 5 लाइंस प्रिंट होंगी। हम एक एग्जांपल इसको करके देख लें, तो ये एक सी प्रोग्राम है जो अभी पूरा दिखाई दे रहा है साथ में, जिसमें x, y, i और j को अनसाइन इंटीजर के रूप में डिक्लेयर किया, बाद में x और y को रीड किया इंटरेक्टिव रन में, तो जो रन किया है उस पार्ट को देख लेते हैं जूम करके, तो x और y को एज ए इंटीजर अनसाइन इंटीजर रीड किया, बाद में दोनों फॉर लूप आ गए, उनमें एक प्रिंट स्टेटमेंट आ गया जो 8 को प्रिंट कर रहा है, दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट आ गया जो न्यू लाइन को प्रिंट कर रहा है। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, तो इसको कंपाइल करने के लिए gcc माइनस ओ एग्जांपल रन करें, तो रन करने पर ये x और y की वैल्यू मांग रहा है, हमने 1 एंड 1 दे दी, तो एक कॉलम एंड एक रो आना चाहिए जिसमें एक बार 8 आना चाहिए, आ रहा है, हम 2 एंड 2 दे देते हैं तो 2 बाई 2 का स्क्वायर बन गया, हम 1 एंड 3 दे देते हैं तो पहला 8 कितनी बार प्रिंट होगा एक लाइन में वो बताता है, और दूसरा नंबर ऑफ लाइंस बता रहा है, 1 दिया मतलब एक बार 8 प्रिंट होगा हर लाइन में, और 3 ऐसी लाइन्स होंगी, 3 ऐसी रोज होंगी, पंक्तियाँ होंगी। हम फिर रन करते हैं, इनपुट में 2 एंड 4 दे देते, 2 स्पेस 4 दे देते हैं, तो हर लाइन में दो बार 8 प्रिंट होगा और ऐसी चार लाइनें होंगी। हम 4 एंड 2 दे देते हैं तो हर लाइन में 4 टाइम्स ए प्रिंट होगा और ऐसी दो पंक्तियां होंगी।
ये हो गया, इसको रन करके देख लिया।